So we can say that human reproductive system is highly evolved. So the structure associated with reproduction in male and female are different. Now we know that here male gametes will fuse with female gamete to form zygote, and this process is called, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन. So whenever the fertilization is in plants or animals, so there is fusion of gametes. Now fertilization जो है बेटा in animals, not particular about human beings, in animals दो तरह का होता है, internal fertilization and external fertilization. So there is a difference between internal and external fertilization. So difference is, it occurs inside the body of female parent. External fertilization mein it occurs outside the body of female parent. Fertilization occurs surely here. Fertilization is not sure. और जो जायगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो रिमेन्स वेल प्रोटेक्टेड एम्ब्रियो रिमेन्स अनप्रोटेक्टेड. So these are the differences between internal fertilization and external fertilization. Now example of internal, हम human being का example दे सकते हैं, and external में we can give the example of fish, we can give the example of amphibian like frog. So these are the examples of external fertilization. So these are the differences. जिसे हम एडोलसेंस एज भी कहते हैं. सो जनरली अटेन एट द एज ऑफ 12 इयर्स. तो 12 इयर्स से जो है ये प्यूबर्टी के एज स्टार्ट हो जाते हैं, प्यूबर्टी अटेन कर लेते हैं. When the reproductive system becomes functional. Now there are some key changes. So changes are different in male and female. So in male, there is generally the shoulders become broad. Broadening of shoulders. Broadening of shoulders. जो voice होती है, voice becomes hoarse, भारी हो जाती है. ठीक है, एडम्स एप्पल विजिबल होने लगता है,
है ना, एंड सडन ग्रोथ, सडन हाइट जो होती है वो इंक्रीज होती है, सडन इंक्रीज इन हाइट एकदम, बॉयज़ में स्पेशली हाइट इंक्रीज होती है ड्यूरिंग दिस एज, ठीक है। वी कैन से दैट वॉइस बिकम्स हॉर्स, उसका रीज़न भी कई बार पूछ लेते हैं, बिकॉज वोकल कॉर्ड्स बिकम थिक, थिक हो जाती है। देन वी आर हैविंग ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन फेस, चेस्ट, आर्मपिट्स एंड हेयर, द इंक्रीज इन साइज ऑफ गोनैड्स। गोनैड्स क्या होते हैं? गोनैड्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव, देयर इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ गोनैड्स। सो दीज आर द चेंजेस विच आर ऑब्जर्वड इन मेल, सिमिलर चेंजेस आर ऑब्जर्वड इन फीमेल। सो चेंजेस इन फीमेल इज दैट सेम ग्रोथ ऑफ हेयर, फेशियल, आर्मपिट्स, सेम द फैट इंक्रीजेस, फैट इंक्रीज होने लगता है, सेम ग्रोथ इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स साइज, ग्रोथ इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ब्रेस्ट एनहेंसमेंट, दीज आर द चेंजेस इन फीमेल। सो दीज चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व लेटर और सूनर एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, हाँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एंड वन मोर केमिकल चेंज इज ओव्यूलेशन, जिसे हम अभी पढ़ेंगे। ओके, दीज आर द चेंजेस इन फीमेल। सो नाउ व्हाट हैपन हियर, वी ऑल नो दैट, जैसे हमें पहले भी पता है, मेल गैमेट्स आर देयर विच आर टर्म्ड एज स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट्स को हम पढ़ चुके हैं। फीमेल गैमेट्स को क्या बोला जाता है? ओवम और एग। ओके, सो वेन एवर दे आर अंडर गोइंग द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, दे लेड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जायगॉट। जायगॉट जो है बेटा, अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन। जायगॉट जो होता है वो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड्स होता है और क्या बनाता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो देन डिवाइड्स फर्दर एंड लेड्स टू फीटस, एंड देन इट लेड्स टू ह्यूमन बीइंग। सो ऑल्दो दिस पीरियड आफ्टर फर्टिलाइजेशन टिल बर्थ ऑफ अ बेबी, इस बर्थ को किस नाम से इस टाइम पीरियड को किस नाम से जाना जाता है? गेस्टेशन पीरियड, विच इज अबाउट 9 months। सो कंप्लीट, जब तक बेटा ह्यूमन बींग कंप्लीट डेवलप नहीं, फीटस डेवलप नहीं होता, देन द अप्रॉक्सीमेट टाइम इज 9 months। सो नाउ विच प्रोड्यूसेस गैमेट्स, जो क्या बनाएंगे? जर्म सेल्स बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे, एंड रिलीजेस हॉर्मोन्स। तो बेसिकली जो मेल गोनाड है, जो हमारा जो भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल गोनाड, दैट इज टेस्टीज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड द अदर करेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी द अदर सिस्टम, द अदर पार्ट्स विच हेल्प्स टू टेक द स्पर्म टू द फर्टिलाइजेशन साइट आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, विच अदर सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वी कैन से दैट, जो हेल्प करते हैं आर वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स,
प्रोस्टेट ग्लैंड्स, इन सब के अपने एक इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं। विदाउट दीज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैन नॉट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक द मिडल पार्ट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया विच विल प्रोवाइड एनर्जी टू टेल टू मूव। सो वेन एवर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज देयर, सिर्फ जो आपका टेल है वो बाहर रह जाता है एंड ओनली द हेड पार्ट्स, क्योंकि जेनेटिक मटीरियल ही चाहिए, दैट विल ओनली फ्यूज विद द ओवम एंड फॉर्म जाइगोट। टेल वगैरह का कोई काम नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम भी सिर्फ एनर्जी, सो ओनली द हेड पार्ट विल फ्यूज विद द ओवम। नाउ टेस्टिस कहाँ पर लाई करता है? टेस्टिस लाइज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रॉटम। स्क्रॉटम इज अ टाइप ऑफ मस्कुलर पाउच। तो कई बार ये भी हो सकता था कि भाई व्हाई इट इज लाइंग आउटसाइड द बॉडी, द रीजन इज दैट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इट शुड हैव ऑलवेज 1 to 2 degree lesser temperature than the body temperature, तभी sperm produce हो सकते हैं, otherwise नहीं। That's why it lies outside the abdominal cavity. Next is we are having the other organs. So the other organs are we are having vas deferens, जो हमने पढ़ा था। हाँ जी बोलो।